नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जर्नी। की सो गाइस, आज है 23 तारीख, यानी कि आज के दिन से स्टार्ट होने वाले हैं TNPL यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग, यानी कि आज जो है पहला मैच होने वाला है। और कौन कौन सी टीम खेलने जा रही है, यहाँ पर खेलने जा रही है चेपॉक सुपर गिल्स वर्सेज नेल्लई रॉयल किंग्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि CSC वर्सेज NRK का मुकाबला होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि कौन सी टीम मुकाबला लेकर के जा सकती है, क्या यहाँ पर पिच रिपोर्ट रहने वाली है, फुल टीम प्रिडिक्शन वाले बात करेंगे। तो गाइस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे इंस्टाग्राम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वेन्यू की, इस वाले मुकाबला का, ये मुकाबला कहाँ और किस टाइम होने वाला है। तो जो टाइम की बात करें तो ये मुकाबला होने वाला है इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 7:15 को यहाँ पर ये मैच स्टार्ट होने वाला है। और कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड में होने वाला है ये मुकाबला। यानी कि अगर जो हम इसी के साथ पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट में देखो सबसे पहले वेदर की बात कर लेते हैं। वेदर जो है यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है ब्लैक क्लाउड, यानी कि मतलब काले बादल छा सकते हैं, छाए हुए रहेंगे मैच के दौरान, यानी कि थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, मे बी वैसे चांस है नहीं, पर काले बादलों का भाई कुछ नहीं पता। फिलहाल तो बात करेगा जो मैच प्लेड की, इस वाले मुकाबले में इस वाले पिच के ऊपर कितने मुकाबले खेले जा चुके हैं। सो यहाँ पर टोटल 50 मैचेस खेले जा चुके हैं और चेज जो करेगा है, टारगेट चेज जो कर रखा है यहाँ पर 23 मैचेस में चेज हुए हैं और टारगेट जो डिफेंड हुआ है वो हुआ है 25 मैचों में। यानी कि ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, मतलब ज्यादा मतलब अंतर नहीं है, एक बराबरी की बात है क्योंकि यहाँ पर दो मैच टाई भी हो चुके हैं। सो हम कह सकते हैं टारगेट चेज वो और डिफेंड दोनों बराबर रहने वाला है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ हार्ड रहने वाला नहीं है क्योंकि ये जो ग्राउंड है थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। सो मेरे ख्याल से बॉलर्स को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, सो चेजिंग का इजी रह सकता है। फिलहाल तो बात करें फर्स्ट इनिंग स्कोर और बाकी इनिंग स्कोर के यहाँ पे और भी बाकी सब चीज़ों की। सो गाइस यहाँ पर अगर जो देखें तो फर्स्ट इनिंग स्कोर जो रहने वाला है 161 का है एवरेज, मतलब नॉर्मली जो एवरेज स्कोर चलता है यहाँ पर 161 का है और चेजिंग स्कोर 157 रन का है। सो अगर जो बात करें टारगेट डिफेंड जो है 173 रन से ज़्यादा हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पर ये जो मैच है इस वाले ग्राउंड के ऊपर अगर जो टीम चाहे तो अच्छे खासे रन बना करके जा सकती है, मतलब 160 एक एवरेज रन है फर्स्ट इनिंग का। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों को 160 या फिर 150 से ऊपर ही रन देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल तो अगर जो हम लोग बात करें दोनों ही टीम के कंपैरिजन की कि भाई कौन सी टीम ये मुकाबला जीत कर लेकर के जा सकती है, उसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा प्लेइंग 11 दोनों ही टीम के। तो सोच अगर जो प्लेइंग 11 की बात करें दोनों ही टीम के, तो यहाँ पर चेपॉक सुपर गिल्स की जो प्लेइंग 11 होने वाली है वो होने वाली नंबर 1 पे आ रहे हैं ओपनिंग के आने पर। ओपनिंग में आने वाले हैं एन जगदेशन, कौशिक गांधी, एस सुएज, एच प्रसिद्ध, आकाश, राजगोपाल शास्त्री, एस हरीश कुमार, साई किशोर, एम सिद्धार्थ, आर अलेक्जेंडर, संदीप वॉरियर एंड सोनू यादव। अगर जो इसी टीम की बात करें कि इस टीम की बैटिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, सो ओवरऑल इस जो टीम की बैटिंग है वो बैलेंसिंग बैटिंग है, ज़्यादा अच्छी बैलेंस मैं कहूँगा नहीं, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं, एक बैलेंस के तौर पर है बैटिंग के मामले में। और बात करें बॉलिंग में, तो बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस टीम की, और स्पिनिंग में वो भी काफ़ी अच्छी है, स्पिनिंग के मामले में भी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब एक एवरेज है, पर मैं कहूँगा कि स्पिनिंग के मामले में ये टीम ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है CSG, यानी कि ज़्यादा अच्छी नहीं है स्पिनिंग में, बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी नजर आ रही है। वहीं बात करें कुछ दूसरी और प्लेइंग 11 ऑफ नेल्लई रॉयल किंग्स की, तो नेल्लई रॉयल किंग्स की टीम से आने वाले हैं प्रसिद्ध, रवन पॉल, एम सहाजन, आकाश कुमार, बाबा हरभजीत, संजय यादव, एच त्रिलोक नाग, एनएस हरीश, रोहन राजू, सुनील सैम एंड सूर्य प्रकाश एंड ईश्वरन कुमार। तो यानी कि जो इसकी टीम है, इनकी टीम की अगर जो हम लोग बात करें स्टैट्स की, तो यहाँ पर बॉलिंग में है, मतलब बॉलिंग में कहूँगा कि ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि बॉलिंग एक एवरेज कहूँगा, बॉलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, फास्ट बॉलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। और बात करेंगे तो बैटिंग, तो बैटिंग में भाई पावर हिटर्स हैं इनके पास, यानी कि बैटिंग के मामले में ये टीम CSG से ज़्यादा आगे नज़र आ रही है मुझको पर्सनली। और अगर जो बात करें स्पिनिंग, भाई स्पिनिंग का गोल्ड लेवल है, यानी कि स्पिनिंग के मामले में ये टीम बहुत ही ज़्यादा आगे नज़र आती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे जो है मतलब पर्सनली इसकी स्पिनर ज़्यादा अच्छा है, फास्ट बॉलर उतने एवरेज के नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर जो है यहाँ पर CSG के ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अगर जो ओवरऑल बात करें लास्ट मैच लास्ट सिक्स मैचेस की स्कोर की बात करें दोनों ही टीम का क्या स्कोर रहा है, अगर जो लास्ट CSG यानी कि चेपॉक सुपर गिल्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 मैचेस खेले गए हैं, 6 में से 4 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस हारी है, बैटिंग एवरेज स्कोर 153 रन का है और बॉलिंग एवरेज जो है 7.34 का है, जो कि गुड है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा बैटिंग एवरेज स्कोर है ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। वहीं बात करें दूसरी और नेल्लई रॉयल किंग्स के लास्ट 6 मुकाबलों की,
तो यहाँ पर 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, यानी कि मतलब 1% मतलब 50-50 रहा है तो यानी कि। और बैटिंग एवरेज देखे तो 143 है और बॉलिंग एवरेज जो है 7.71 है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है उनके यहाँ पर, चेपॉक से ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। बात करें कर जो यहाँ पर कि भाई दोनों ही लास्ट जो दोनों ही टीम है मतलब हेड टू हेड का क्या मुकाबला रहा है लास्ट 5 मुकाबलों में, तो यहाँ पर सीएसजी भाई देखो 4 मुकाबले जीती है लगातार और 1 मुकाबले जीती है एनआरएच यानी कि नेल्लई रॉयल किंग्स ने, बस एक ही मुकाबला जीता है सीएसजी के खिलाफ। तो यानी कि ओवरऑल बात करें पूरे ही स्टैट की अभी तक जो हमने स्टैट निकाल के रखा है, सो देखो बैटिंग के मामले में सीएसजी अच्छी है और बॉलिंग के फास्ट बॉलिंग के मामले में भी वो अच्छी है, बस जो है सामने वाली टीम जो है एन नेल्लई रॉयल किंग्स जो है स्पिनिंग के मामले में ज़्यादा अच्छी है, बैटिंग भी ठीक ठाक है उसी की टक्कर के है। सो ओवरऑल अगर जो विन परसेंटेज की मैं बात करूँगा तो मेरे को जो पूरा लग रहा है, क्योंकि भाई देखो लास्ट 6 मुकाबलों के स्कोर को देख करके पूरा मैच पलट जाता है, तो इसलिए कहूँगा कि 60% जो विन परसेंटेज है 60% है सीएसजी यानी कि चेन्नई क्यों कह रहा हूँ चेपॉक सुपर गिल्स की और एनआरएचके की है 40%। तो ओवरऑल ये मुकाबला मेरे हिसाब से सीएसजी लेकर के जा सकती है। आप लोगों को लगता है कि भाई ये मुकाबला कोई और टीम लेकर के जा सकती है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक ले टेक केयर, वंदे मातरम एंड गुड बाय।